उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने नेता हैं, इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया था लेकिन बाद में इन्हें रिहा कर दिया गया। मसला यह है कि शिवपाल यादव के बारे में ये कहा गया कि ये दोपहर के किसी वक्त अपने घर के पीछे के गेट से या कोई दीवार फांद कर निकल गए थे, लखीमपुर खीरी जा रहे थे। शिवपाल जी बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। ये बताइए कि जब माहौल इतना तनावपूर्ण था तो आप क्यों लखीमपुर खीरी जाना चाहते थे? देखिए, जो लखीमपुर के तिकोनिया में 8-8 किसान की हत्या हो जाए और शांत तरीके से किसान वहाँ पर धरना दे रहे हैं, और 3 दिन पहले गृह राज मंत्री उन किसानों को धमकी दे रहा हो कि सुधर जाओ नहीं तुमको सुधार दिया जाएगा, गृह राज मंत्री इस तरीके की बातें करे, इस तरीके की धमकी दे जी, और उसके बाद उसके बेटे के द्वारा गाड़ी चढ़ा करके कुचल दिया गया किसानों को जी, तो फिर वहाँ पर जाना हम लोगों का दायित्व बनता है, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के लोगों का दायित्व बन जाता था जी। वहाँ उनके जो मृतक थे उनके परिवार को, लेकिन अभी बताया गया है कि वहाँ किसानों प्रशासन और पुलिस के बीच कोई समझौता हो गया है, क्या आप उस समझौते से संतुष्ट हैं या मंत्री की बर्खास्तगी, उनके बेटे की गिरफ्तारी इत्यादि की आपकी अन्य कोई मांग है? देखिए, पहले तो गृह राज्य मंत्री ने जो धमकी दी है उसकी वजह से इतनी बड़ी घटना हो जाए तो सबसे पहले तो गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए, फिर उनके बेटे को गिरफ्तार करना चाहिए था। अगर देखिए, ये जो 8 मौतें हुई हैं ये तो कभी वापस नहीं आ सकते, तो यहाँ पर हमें शोक संवेदना भी देना थी और मौके पर भी जाना। क्या मौका पाकर आप दोबारा भी जाना चाहेंगे लखीमपुर खीरी? देखिए, जहाँ पर भी इस तरह की घटना हुई, देखिए 10 महीना हो गए हैं, पूरे देश का किसान धरना दिए बैठा और लगभग 500 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। हम तो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के लोग हर जगह जाने का प्रयास करेंगे, जहाँ जहाँ इस तरह की घटना होंगी, और जब इस तरीके तो इस मामले में आप किस तरह की जांच की डिमांड करते हैं होगा, और उत्तर प्रदेश की पुलिस और सरकार का जो इस घटना को लेकर रुख रहा है, दृष्टिकोण रहा है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, एक तो न्यायिक जांच हो, दूसरे प्रशासनिक अधिकारियों जो भी दोषी हों, पुलिस प्रशासन के लोग जो भी दोषी हों, उनके भी खिलाफ कड़ी कार्रवाई होना चाहिए जी। और ऐसी घटनाएं फिर न दोहराई जाएं। किसानों के साथ जो देखिए, किसानों के साथ अन्याय तो हो ही रहा है, अन्नदाता जहां पर मारे जाएं, तो हम जहां पर ऐसी घटनाएं होंगी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के लोग, चाहे रोज गिरफ्तारियां हों चाहे जेल भेजा जाए, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, लेकिन अगर आपने जबरन जाने की कोशिश की तो आपको पता है कि आपको जेल में डाला जा सकता है? अगर आपने कोशिश की जाने की तो आपको जेल में डाला जा सकता है? चाहे जेल में डाला जाए, चाहे हमें गिरफ्तारियां हो, कुछ भी हो, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी एक रहस्य का उद्घाटन करिए, एक मिस्ट्री है और मैं चाहता हूं कि आप उसका जवाब दें, उस रहस्य की गुत्थी को सुलझाएं। जब आपके घर को पुलिस ने घेर रखा था तो आप घर से निकल भागने में कामयाब कैसे हुए? देखिए, आप जब बाहर पुलिस लगी रही, पुलिस वालों से कहा भाई हम शांत तरीके से, हम धरना भी दे सकते हैं, प्रदर्शन भी कर सकते हैं, हम मौके पर भी जा सकते हैं, तो पुलिस वाले बोले कि हम बाहर तक नहीं जाने देंगे। तो मैंने फिर सोचा पीछे से सोचा, हमारे साथी 2-4 साथ में थे और पीछे जा कर के अपने निकल गए,
पीछे। अच्छा, कोई ये बता रहा था कि आप दीवार फांद के घर की निकल गए, इस उम्र में क्या दीवार फांदने वाली हौसला है? अरे अपने साथियों ने सहारा दे दिया, वैसे तो इस उम्र में दिक्कत तो होती है जी, लेकिन सहारा दे दिया, उधर दूसरी तरफ भी सहारा मिल गया। तो आपको चोट वगैरह तो नहीं आई, आप ठीक तो हैं? और हमारे साथियों को चोट आई है, हमारे जो अधिवक्ता सभा के प्रदेश अध्यक्ष अजीत चौहान के चोट आई, और हमारी जो महिला सभा की अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्मी बोरा जी, तो ऐसे दो तीन लोगों के, हमारे लोगों के चोटें आई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिवपाल यादव जी, आपका रुकने वाले नहीं जी, बहुत बहुत धन्यवाद, कीमती वक्त हमारे लिए निकालने के लिए बहुत बहुत।